बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही अन्य 14 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और उनके बीच में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब बारी है आगामी 23 नवंबर से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र के दौरान बाकी बची हुई औपचारिकताओं को पूरा करने की। इसी क्रम में विधानसभा सत्र की शुरुआत करने के लिए जीतन राम मांझी को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर का अगर कार्यकाल आपको बताएं कि क्या इनका कार्य होता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है जब तक विधानसभा के अध्यक्ष का चयन या उसकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक कार्यवाहक के तौर पर एक स्पीकर बनाया जाता है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुर शील जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मधुर जी, राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी को शपथ दिलाई है, आगे का किस तरह से कार्य किया जाएगा, कार्यवाही किस तरह से रहेगी? देखिए के जीतन राम मांझी चूंकि वरिष्ठ विधायक हैं, जो अभी 243 विधायक जितने भी जीत करके आए हैं दोनों महागठबंधन और निर्दलीय मिला करके, तो वरीय विधायक को जो सीनियर विधायक होते हैं मिले होते हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और परंपरा ये रही है कि प्रोटेम स्पीकर ही जो नवनिर्वाचित सदस्य जितने जीत करके आए हैं सबको वो शपथ दिलाएंगे, सदस्यता ग्रहण कराएंगे विधानसभा की सदस्यता, क्योंकि जीत जाने के बाद आयोग के द्वारा जो प्रमाण सर्टिफिकेट जारी किया जाता है विजय विजयी होने का, उस प्रमाण पत्र के उस सर्टिफिकेट के बिना पे विधानसभा तक आते हैं लोग, लेकिन जब तक वोट नहीं हो जाता एक सदस्य के रूप में, सदन के सदस्य के रूप में जब तक शपथ नहीं हो जाता, विधायक शपथ नहीं ले जाते तब तक उनकी सदस्यता को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। अब प्रोटेम स्पीकर सदस्य नए नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करेंगे और इन्हीं के अध्यक्षता में नए स्पीकर का चुनाव होगा जो अस्थाई, जो जितने दिन की विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का, तो पूरे कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और जो दल बहुमत में, मतलब जिस पार्टी की सरकार होती है, जो बहुमत जिसकी होती है, यही परंपरा रही है कि उसी दल का विधायक जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है। इस बार बीजेपी लीडर जो पहले पथ निर्माण मंत्री थे नंद किशोर यादव, उनका नाम प्रस्तावित है विधानसभा अध्यक्ष के लिए, लेकिन औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। अब सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, तो अब तक ये परंपरा रही है कि दोनों जो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का जो पद पर जो चुनाव होता है वो सत्ताधारी दल के विधायक ही होते रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व अगर आप देखेंगे कि कई विधानसभाओं का ये कार्यकाल इस तरह का रहा है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष से और विधानसभा उपाध्यक्ष विपक्ष से हुआ करते थे, तो ये विधायी परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन आवश्यक होता है सत्र के संचालन के लिए। चूंकि 4 दिनों का विशेष सत्र आहूत किया गया है कैबिनेट ने, जो नई कैबिनेट है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो नई कैबिनेट ने फैसला लिया था कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें शपथ जो नए नव निर्वाचित विधायक हैं उनके शपथ के साथ साथ जो पेंडिंग है विधायी कार्य जो चुनाव काल के दौरान या सत्र जब समापन हुआ था, शरद जब समापन हुआ था उसके बाद सत्र नहीं चल पाया था, तो कई जो आवश्यक विधायी कार्य और वित्त विधेयक से संबंधी जो कार्य होते हैं वो निपटाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मधुर जी, जिस तरह से जो पूरी लिस्ट निकलकर सामने आई कि 25 नवंबर को स्पीकर शपथ लेंगे, उसके बाद 26 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 27 को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा और सरकार को उत्तर देना होगा, क्या कुछ और अहम बातें भी हो सकती हैं या कुछ अहम सौगातें मिल सकती है? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है के परंपरा यही रही कि वो सरकार का ही एक तरह का अभिभाषण होता है, सरकार क्या कुछ करने जा रही है नए कार्यकाल में, उन तमाम चीजों का और जो उन्होंने पहले, चूंकि ये सरकार ऐसी सरकार है जो पहले भी इन्हीं के नेतृत्व में सरकार चली थी, तो सरकार अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में और आगामी आने वाले जो उनके कार्यक्रम होंगे, जो विकास की योजनाएं होंगी, उसके बारे में वो राज्यपाल के अभिभाषण में ये सारी चीजों की झलकियां आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि विपक्ष इस बार पहले से, विपक्ष के पास एक मुद्दा
मिला हुआ है मेवालाल चौधरी को लेकर के, जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, आज उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया जी। लेकिन विपक्ष उनके जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उनको लेकर के काफी फजीहत हो रही है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है जी। तो सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी शपथ ग्रहण के बाद और स्पीकर, नए स्पीकर के चुनाव के बाद, मतलब 25 तारीख को ही आपको हो सकता है कि इसका आगाज देखने को मिले जी। जब विपक्षी सदस्य मेवालाल चौधरी वाले मामले को लेकर के सदन में शोर शराबा हंगामा करते हुए दिखे आपको, और कई बार ऐसा भी हुआ है, आपने देखा है कि विपक्ष जब ज्यादा मजबूत होता है जी। और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने का और बहिष्कार करने का इतिहास रहा है, तो ये तमाम चीजें ये नए इसमें, हालांकि पहले ये परंपरा नहीं थी, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में शांति व्यवस्था कायम रहा करती थी, लेकिन पिछले कई दशक से देखा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी, आप देख लें कि लोकसभा में भी जब ज्वाइंट सेशन चलता है तब भी इस तरह का, जो राज्यसभा लोकसभा का जब ये संसद में जब पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन चलता है, हालांकि ये भी ज्वाइंट सेशन ही चलेगा विधान परिषद और विधानसभा का, तो ऐसे कई वाक्य आए हैं कि जब सरकार के उस पर, जब ये राज्यपाल के जो अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे, इस बार हो सकता है कि मेवालाल चौधरी के अलावा जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है लगातार गैंगरेप सहित और हत्या, चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि कई हत्याओं का दौर चला, तो ये तमाम चीजें विपक्ष के पास हैं जिसमें सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। फिलहाल जो तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां ये हैं कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो गया, अब नए स्पीकर शपथ ग्रहण के बाद नए स्पीकर का चुनाव होगा जी। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर 2 दिन का जो विधायी कार्य के लिए जो समय बचेगा उसमें सरकार अपने विधायी कार्यों को ये करेगी, कुछ जो आवश्यक बिल विधेयक है उनको पास कराने की कोशिश की जाएगी जी। बिल्कुल शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।